वहाँ से आया? कलकत्ता। कलकत्ता से बंगाल। तो आपको कैसे पता लगा यहाँ का? अभी एक जगह आगे कुल्हड़ चाय पिए थे तो बोला अगर कुलचा खाना है तो इसी की दुकान में जाओ। अच्छा जी। और वाकई में बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी और अंदर से एकदम पूरा वो बना हुआ था, भरा हुआ था, मजा आ गया खा के, दिल खुश। मैं तो ये बोल रही हूँ मैं कुलचा खाने वाली ही नहीं थी कि इतना भारी कुलचा कौन खाएगा, लेकिन यहाँ आके खाई तो मेरा एक और मन कर रहा है खाने का, इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी है। भी मैंने दो कुलचे खाए हैं, पेट में पता ही नहीं चला कुछ खाया है कि नहीं खाया। किसी बंदे ने यहाँ नहीं खाया तो वो बेवकूफ कहलाया। साडे विच ते लोगां विच मेन डिफरेंस ये है कि साडी दुकान ते वेलना यूज नहीं हुंदा और तंदूर दे विच कुलचा लगाण लई पफ यूज नहीं हुंदा। क्या बात है जी। सिर्फ हाथ दे नाल ही कुलचा ठपदे आ तुहाडे सामने आ, देखो हुण पेड़े हो गए ना, पेड़े तो बाद कुलचा ना 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 वेलना तो असीं यूज ही नहीं करते ना। यह देखो हाथों से ही चल रहा जी, हाथों नाल ही चलता जी। वेलने नाल ना जेड़ा आलू है ना उसकी जेड़ी मैचिंग जेड़ी है ना वो किनारे तक नहीं जाती। इसमें क्या केमिकल है भाजी? एदे विच देखो आलू दे विच सारे खड़े मसाले ने, हाँ जी, जिदे विच सुखा धनिया है, अनारदाना है, सबूती सबूती काली मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, एदे विच पांच सात तरह के मसाले ने। यह देखो हुण आलू जेड़ा भरदा पिया, आलू भरिया गया, इतना सारा मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है, डाला जाता है और उसके बाद देखो बिल्कुल पतला रहता है। देखो ये पेड़ा, ये देखिए भाई मतलब कि इतना पेड़ा ढप गया ना। हाँ ये आलू है ना, ये आलू का बनने के बाद आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल पतला हो जाए। वेलन वाले कारीगर नहीं है। अच्छा, वेलना वो लोग यूज करते हैं जिनको अपना हाथ नहीं चलाना, ये भी एक बात, मतलब ये कारीगरी है। हाँ कि तुसी मैंने एक गल कही थी तुहाडे कुलचा विच यूनिक की है, देखिएगा कि यूनिक है की है, एदा आंसर तो अनुने मिलेगा। ये हो गया ना, ये यूनिक है यहाँ पे, यह देखो मतलब कि यार प्रॉपर साइज गोल आकार वही। हाँ और बिना वेलन के, बिना वेलन तो देखो किनारे तक आलू जा रहे ने, बिल्कुल जी बिल्कुल। जिन्हों असी बोलते हैं साड़ी दुकान दा कट वाला कुलचा, इन्हों ही बोलते हैं कट वाला कुलचा। ये है जी कट, ये देखो कट वाला कुलचा, ये चेक करो भाई तुम, ये दही लग गया जी। हाँ देखो तुसी दूजा दे कुलचा देखोगे ना किनारे मोटे मोटे मैदे वाले होंगे, जो साडा कुलचा देखोगे ना ओदे किनारियां तक आलू मैश हो गया होगा, किसी नूं फील नहीं होएगा कि असी मैदा कच्चा खा रहे हैं। और जड़ा दूजे दे कुलचे ने वो लचकले होंगे ने, साडा कुलचा क्रिस्पी होएगा, तुहानू आवाज़ आएगी जो तुसी बाइट करोगे ना उहदे विच क्रिस्पी बस दी आवाज़ आएगी। साडे कुलचे च ते लोगां दे कुलचे च ही फर्क है, जिहड़ा भी आए थोड़ा टाइम लैके आएगा तो कुलचा अच्छा खाएगा, अगर जे कुलचा तुहाडे कोल टाइम नहीं है तो फिर मेरे को तुसी कुलचा नहीं खा सकते। अगर टेस्ट चाहिए तो टाइम चाहिए, अगर कच्चा पक्का खाना है तो फिर मेरे पास नहीं है। ये तैयार हो चुके हैं जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी। क्या बात है जी भाई, देख सकते हो धीरे धीरे भाई सारे कुलचे बाहर आने वाले हैं। तो पाजी तैयार हो चुके हैं जी? हाँ जी, हाँ जी सर, ये बिल्कुल तैयार हैं जी अपने कुलचे। तो पाजी इनको साफ भी किया जाता है पहले? अरे जरूरी है भैया, वो ब्यूटी पार्लर वाला काम है ना। अच्छा, बस बस मतलब कि जाएंगे ब्यूटी पार्लर जाएंगे, इनको जरा मेकअप शेकअप करेंगे। अच्छा, तभी तो मेम सुंदर लगेगी ना, जब तक आंखों ने नहीं खाया तब तक पेट क्या खाएगा। आपकी शादी होएगी? होएगी कि नहीं होएगी? सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे, बस देखेंगे। अब उसका भी मेकअप करके आ गया धोखा हुआ तो बस वो बाद पता अगले दिन पता लगेगा। लेकिन हमारा इसी वक्त पता चलेगा, इसी टाइम पे। ये धोखा नहीं है ना, ये तो बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शी कुलचा कॉर्नर है घी मंडी, इन साइड घी मंडी है, ओपोजिट शिवाला वीरबान। अगर कोई बाहर से आ रहा है इधर की तरफ से गौशाला आएगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पे हमारी दुकान है, और अगर कोई गोल्डन टेंपल की तरफ से आ रहा है तो गोल्डन टेंपल से ज़्यादा 200-300 मीटर पड़ता है वो, फिर लेफ्ट साइड आएगी इसकी, लेफ्ट साइड आएगी। हाँ। और प्राइस क्या? प्राइस देखो भैया, इस वक्त तो कोई मिक्स ले को आलू वाले ले वो 70 है।